हाँ भाई चले। तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने ये ग्रुप नंबर पीरियड नंबर निकालना सिखाया था मैंने आप लोगों को। आज हम वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं और बात कर रहे हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखिए अगर हम हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें कुछ याद वाद ऐसे रखने का है नहीं। पहले लोगों ने कैसे पीरियोडिक टेबल डेवलप की इसके बारे में उसने बात की है, बताया कि कैसे पीरियोडिक टेबल डेवलप हुई थी। तो देख लो हिस्ट्री की तरह है, कैसे लोगों ने स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने कुछ भी बोल दिया, जो ऑब्जर्वेशन बना कोई लॉजिक था नहीं, बिना सिर पैर की बातें थी। लेकिन धीरे 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 एडवांस करते गए और चीजें बनती गई। ठीक है, तो जो आज आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो वो सब इन्हीं लोगों का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एनसीईआरटी को अपन ने उठाया उतना ही अपन लोगों को पढ़ना है, वही डिस्कस करना है। ठीक है, ये तो बता रही है एनसीईआरटी कि इन दिस यूनिट विल स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल एज इट स्टैंड्स टूडे एंड द मॉडर्न पीरियडिक लॉ। विल ऑल्सो लर्न हाउ द पीरियडिक क्लासिफिकेशन फॉलोज एज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम्स। फाइनली वी शैल एग्जामिन सम ऑफ द पीरियडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। सो वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट, भाई क्यों क्यों बनाए पीरियडिक टेबल, है ना। तो पीरियडिक टेबल इसलिए बनाई गई कि दुनिया में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, आज 118 एलिमेंट है और हर एलिमेंट के ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। क्या आप वो किताब खरीदोगे? क्यों खरीदोगे? क्यों इतनी प्रॉपर्टीज कौन पढ़ेगा भाई, है ना। सो द पॉइंट इज कि एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज को एक जगह पर एक साथ कंपेयर कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, थोड़ा उनके बारे में नॉलेज मिल जाए। एक कॉमन आदमी को भी पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में कौन कौन से एलिमेंट काम में आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ इस दुनिया की सबसे महंगी मेटल कौन सी है? तो मुझे भी नहीं पता, मैंने तो थोड़ी देर पहले देखा था, सेकेंड नंबर की जो सबसे महंगी है वो है कैलिफोर्नियम। रेडियोएक्टिव है ये। अभी बिहार में दो लोग पकड़े गए इसकी तस्करी करते हुए, नेपाल में ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो गया के थ्रू। उनके पास करीबन इतना बड़ा इसका ब्लॉक था। अरे भाई लिख दिया नाम कैलिफोर्नियम, ये कैलिफोर्निया थोड़ी लिखा हुआ है, अमेरिका, लॉन्ग लिव अमेरिका, वो नहीं है ना, ये कैलिफोर्नियम उसका नाम है, CF सिंबल होता है। मैंने इतना ही होगा, उसकी कीमत थी 850 करोड़ रुपए। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत थी उसकी। इट इज हाईली रेडियो एक्टिव, ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के थ्रू। मैंने मुझे एग्जैक्टली वेट भी नहीं पता, बताऊंगा ढूंढ के। 1 ग्राम की कीमत करीबन 17 करोड़ रुपए थी। जैसे तुम्हारे चेहरे खेल रहे हैं ना, उन दोनों के भी खिले हुए थे, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा ना, इन जेल चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, है ना। सो खैर, तो अब इनकी प्रॉपर्टीज, ऐसा क्या है कैलिफोर्नियम में कि ये कितना महंगा है, ठीक है। ऐसा क्या है एल्यूमिनियम में जो इतना सस्ता है, ऐसा क्या है आयरन में। एक्चुअली इट इज बीइंग यूज्ड इन रेडियोथेरेपी एक्सपेरिमेंट्स एंड इट कैन एक्ट एज एन एक्सप्लोजिव आल्सो, सो यू कैन मेक केमिकल वेपन आउट ऑफ दीज थिंग्स, दैट इज व्हाई। एंड दीज आर रेयर रेयर मेटल्स, सो द गवर्नमेंट हैज बैंड सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ दीज थिंग्स। यू कांट सेल देम लाइक आयरन एंड अदर मेटल्स, सो इट इज काइंड ऑफ बैंड। तो बिल्कुल इसकी तस्करी हो सकती है, जैसे सोना है ना, सोने की स्मगलिंग क्यों होती है, क्योंकि रेयर मेटल है, बहुत कम अमाउंट में है। कैलिफोर्निया उससे भी कम अमाउंट में है, तो इसलिए 17 करोड़ रुपए पर ग्राम। अभिषेक के दिमाग में एक ही चीज घूम रही हो,
खैर चलिए, तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। वी नो बाय नाउ द एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। इन 1831 एलिमेंट्स वर नोन। बाय 1865 द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स हैड मोर देन डबल टू 63। एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन। ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर मैन मेड। एफर्ट्स टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यूइंग। विद सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स एंड देयर इननमरेबल कंपाउंड्स इंडिविजुअली। टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट सर्च्ड फॉर अ सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। नॉट ओनली दैट इट वुड रैशनलाइज नो केमिकल फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट्स बट इवन प्रिडिक्ट न्यू वंस फॉर अंडरटेकिंग फर्दर स्टडी। तो देखे पड़े और जाने दो, बता रहा है कि हमने पीरियोडिक टेबल क्यों बनाई। ठीक है, आप लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा क्यों बनाई, आप तो गालियां और देते हो। हाँ जी, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप तो पढ़ोगे नहीं एनसीईआरटी उठा के, है ना, तो मैं बता देता हूं क्या क्या काम की चीजें हैं यहां पर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन टू, ऑनलाइन वालों को आवाज ठीक से आ रही है, ब्रेक हो रही ना, हाँ दो मिनट दो। चलिए भाई, आई थिंक अब आवाज ठीक होगी। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ ये रहा। तो क्या कह रहा है देखो, चलो जिनको दिख नहीं रहा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं, थोड़ा जूम इन कर लेता हूं और आई होप। अरे यार तू भी अब सबको नौटंकी करनी है भाई। कोई नहीं, आप एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, उन्हें टाइम वेस्ट होता रहेगा ऐसे ही। हाँ जी, तो पढ़े आगे। ये कह रहा है देखो कि पीरियडिक लॉ एंड पीरियडिक टेबल आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिस्टमाइजिंग द नॉलेज गेन बाय अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट थ्रू देयर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। जर्मन केमिस्ट जॉन डबरमैन ने, डबरनियर, तो इसने सबसे पहले क्या बनाए थे, ट्रायड्स। ट्रायड्स मतलब ग्रुप ऑफ थ्री, जैसा आपने देखा थ्री मस्कीटियर्स, ऐसे ही उसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उसने कहा कि देखो बंधु, ये एलिमेंट है वन, ये है टू, ये है थ्री, मैं इनको इनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं। किसके ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं, और मैंने जो अरेंजमेंट किया है उसमें जो मिडिल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास बाकी दोनों एक्सट्रीम वाले एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, जैसे उसने बोला कि देखो यह है लिथियम, यह है सोडियम और यह है पोटासियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, 7, पोटासियम का 39 और सोडियम का कितना होता है 23, विच इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ, ठीक है, तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास अपने अड़ोसी और अपने पड़ोसी के मास का एवरेज होता है। एग्जैक्टली सेम होना जरूरी नहीं है, क्लोज उसकी वैल्यूज होंगी। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं था, उसको दिखा ट्रेंड, उसने अरेंज कर दिया। समझ पा रहे हैं, जैसे आप कई बार पढ़ते हो, कोई कंसेप्ट सीखते हो, फिर वो आए चाहे नहीं उसमें आप ट्रिक बनाना शुरू कर देते हो, वो आपका ऑब्जर्वेशन है। अच्छा ऐसा होता ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता हो जाएगा, ऐसा होता ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे उन्होंने ट्रिक बनाई कि ऐसे अरेंज कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो निकल के आ ही जाएगा। तो पढ़े आगे। In early 1800s was the first to consider the idea of trends among properties of elements. By 1829, देख रहे हो विनोद कितने साल लगे उसे ये ऑब्जर्व करने में, 29 साल, और तुमको 29 सेकंड नहीं लगे उसकी आइडिया को डिस्कार्ड करने में। किसी की 29 साल की मेहनत यूं ही बर्बाद कर दी गई, क्या इल्ले कुछ भी बोल रहा है, है ना। सो इन 1829 ही नोटेड अ सिमिलैरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स ट्राइड्स। इन ईच केस ही नोटिस्ड दैट द मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ट्राइड्स हैड एन एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। समझिएगा उसका मतलब आप। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर टू मेंबर। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसका एटॉमिक मास ही, इसकी प्रॉपर्टी भी इन दोनों के बीच में लाए कर रही थी। बट प्रॉब्लम क्या थी, वो कुछ ही ट्राइड्स बना पाया।
हमें ऑनलाइन वाले दिख रहे हैं ना आपको ट्रायड्स? तो ओके, तो यहां दिख रहा है आपको साफ साफ, सोडियम ये एक ट्रायड है, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम ये एक ट्रायड है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ट्रायड। तो इतने ही ट्रायड बना पाया बस, इसके बाद इससे और कोई ट्रायड नहीं बना, इसलिए इस लॉ को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। डन है, गुड आउट। तो ये ट्रायड्स याद रखने की जरूरत नहीं, दिखता है ऑप्शंस में दिख जाएगा आपको, एटॉमिक मास लिखना, जिसका एवरेज निकल के आ जाए वो ट्रायड होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर इसके बाद, सिंस डोबर्नियस रिलेशनशिप रेफर टू एज द लॉ ऑफ ट्रायड्स सीम टू वर्क ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट्स, इट वॉज डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस। किसी के 29 साल तुमने यूं डिसमिस कर दिए, सही है? खैर ऐसा नहीं, 29 साल उसने और भी बहुत काम किए थे केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, और ये उसका मेन वो था। नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट वॉज मेड बाय फ्रेंच जियोलॉजिस्ट। बताओ, इसका केमिस्ट्री को लेने देना ही नहीं है। जियोलॉजिस्ट ने क्या किया, आपने देखा वो रिक्टर स्केल पे, वो देखते हो रिएक्टर जिसपे भूकंप का वो नापते हैं, अर्थक्वेक का, उसने वहां का दिमाग लगाया। देखो क्या बोला इसने, 1862 में है ना, ए ई बी दे चेंकोटोइस, बड़े खतरनाक नाम होते हैं, तो कोई हमारे यहां तो कोई टॉर्टोइस बोल देगा इसको। चलो, ही अरेंज देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स एंड मेड अ सिलिंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स टू डिस्प्ले द पीरियडिक रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो देखो इस तरीके उसने एक सिलिंड्रिकल टेबल बनाई, उसने बताया कि इस लाइन के लॉन्ग या स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ऐसे जितने एलिमेंट चल रहे होंगे सिलेंडर में, उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी इस सेम। ऐसा देखो, सोडियम मैग्नीशियम इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, तो जो एक लाइन के अलोंग आ रहे हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी सेम, और इन सबको उसने चिपका कहां पर दिया है, सिलेंडर पर। ऐसा वो सिलेंडर था, घुमाते जाओ जो जो इस लाइन पे लाई कर रहा है उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। समझ में आ गया? चलिए, दिस ऑल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन। क्यों? क्योंकि एक तो सिलेंडर, इस पे वो लाइन, और उस लाइन पे कितने एलिमेंट होंगे उसको याद रखना आसान काम नहीं था। तो बोला यार ठीक है तुमने अच्छा काम किया है, बट अभी तो देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बाईस एलिमेंट है, जब ये 100 हो जाएंगे तो उनको कैसे याद रखेंगे? तो डिस्कार्ड कर दिया, नहीं नहीं ये भी नहीं चलेगा। फिर चले आगे, लो भाई न्यूलैंड, इनको बहुत प्यार था संगीत से, सारे का मापा धनी सा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जैसा जीवन में संगीत होना बहुत जरूरी है, तो केमिस्ट्री में संगीत होना बहुत जरूरी है। इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया, आइला ऐसे नहीं किया। लिथियम के बाद कौन आता है? बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। और उसके बाद, उस टाइम तक नोबल गैसेस नहीं हुआ करती थी, जानते नहीं थे हम उनके बारे में कुछ भी। तो उसने कहा देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, जैसे संगीत में हर आठवां सुर अपने आप को रिपीट करता है, वैसे ही केमिस्ट्री में हर आठवां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को भी क्या करता है, रिपीट करता है। तो यहां आ गया, इसके बाद आया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, सिलिकन इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, फॉस्फोरस इनकी सिमिलर थी, इनकी सिमिलर थी, इनकी सिमिलर थी, यूरेका। लेकिन इसके बाद वो खुद ही फेल हो गया, पहुंचा कहां तक भाई, अगला पोटेशियम और कैल्शियम तक। उसके बाद उसको अगला सुर ही नहीं मिला जो वापस से मैच कर पाए, और इसको भी क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड। चलो, तो इस सुरेले की बातें सुन लेते हैं। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी तक के जितने भी साइंटिस्ट हैं सब एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर रहे हैं, एटॉमिक मास, क्योंकि उस टाइम तक ये माना जाता था कि एटॉमिक मास इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट और एन एटम। अगर आपको उसके एटॉमिक मास के बारे में पता है तो आप उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, जो कि बाद में जाकर गलत साबित हुआ, ठीक है। तो पढ़ लो भाई इसको भी, जस्ट लाइक एवरी एट नोट दैट रिजेंबल्स द फर्स्ट इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम।
although his idea was not widely accepted at that time, he for his work was later awarded Davy Medal in 1887 by the Royal Society of London. ठीक है, तो फिर भी उसको एक मेडल दिया गया कि चलो तुम खुश रहो यार, सांत्वना पुरस्कार. फिर आया लास्ट में द मोस्ट फेमस दिमित्री मेंडलीव. तो दिमित्री मेंडलीव अकेला नहीं था, ठीक है, उसके साथ में और भी लोग थे, दिख रहा है आपको. सो द पीरियडिक लॉ एज वी नो टूडे ओव्स इट्स डेवलपमेंट टू द रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव एंड द जर्मन केमिस्ट लूदर मेयर. वर्किंग इंडिपेंडेंटली बोथ द केमिस्ट इन 1869 गायब हो गए. क्या भाई, चलिए तो देखो इन दोनों ने बताया हमें. अच्छा, ये तो वो है न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव्स. तो आप देख सकते हो जैसे उसने अरेंज किया था कैल्शियम तक वो अरेंज कर पाया, उसके बाद के स्पेसेस खाली छूट गए. ये अपने डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट, इन दोनों ने मिलकर क्या प्रपोज किया. सो वर्किंग इंडिपेंडेंटली बोथ द केमिस्ट इन 1869 प्रपोज दैट ऑन अरेंजिंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. सही है. सिमिलैरिटीज अपियर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स. लोदर मेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट एंड ऑब्टेंड अ पीरियडिकली रिपीटेड पैटर्न. अनलाइक न्यूलैंड्स, लोदर मेयर ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन लेंथ ऑफ दैट रिपीटिंग पैटर्न. बाई 1868 लोदर मेयर हैड डेवलप्ड अ टेबल ऑफ द एलिमेंट्स दैट क्लोजली रिजेंबल्स द मॉडर्न पीरियडिक टेबल. तो सारा काम मेजरली किसने किया, लूदर मेयर ने. हाउएवर हिज वर्क वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल आफ्टर द वर्क ऑफ दिमित्री मेंडलीव द साइंटिस्ट हु इज जनरली क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल. तो उसने किया लेकिन दुनिया को पता ही नहीं चला. व्हाइल डोबरनियर इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ पीरियडिक रिलेशनशिप इट वॉज मेंडलीव हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द पीरियडिक लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड स्टेट्स एज फॉलोज. क्या कि द पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. इसकी टेक्निकल लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो ये आपका मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ है जो क्या कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट. है ना, फिर जिसकी तरह कोई फर्क नहीं पड़ता, केमिस्ट्री में वेट और मास का मतलब सेम ही है. दैट इज का मतलब क्या है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड एट अ रेगुलर इंटरवल. एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एटॉमिक मास की वैल्यू के बाद ये प्रॉपर्टीज अपने आप को बार बार क्या करती हैं, रिपीट करती. तो आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में ये पीरियोडिक लॉ पूछा जा सकता है. इसको आप ध्यान रखें कि इनके हिसाब से एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो किसका फंक्शन थी, एटॉमिक मास का एक पीरियोडिक फंक्शन थी. आगे बढ़े मेंडलीव ने, ठीक है, पीरियोडिक लॉ यहां लिख भी रहा हूं मैं. मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक मास के ऊपर. फिर मेंडलीव ने बताया कि देखो मेरी पीरियडिक टेबल जो है, जो मैंने टेबल बनाई है उसमें हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इन रोज को क्या बोला गया, पीरियड्स, जैसा आज भी बोला जाता है. और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स. सही है. सो मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स ऑफ अ टेबल इन ऑर्डर
ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड द, तो ये बहुत काम की चीज है, उसने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के टर्म्स में अरेंज करना शुरू किया सच दैट सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आए। अगेन उसका बेसिस एटॉमिक मास था लेकिन उसका इंटेंशन था कि सेम वर्टिकल कॉलम में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आने चाहिए, और इसलिए कई जगह पर उसने अपने ही रूल को ब्रेक कर दिया था। उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को फॉलो नहीं किया। कहीं कहीं जहां उसको लग रहा था कि एटॉमिक मास का ऑर्डर फॉलो करने पर सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट कहीं और जा रहा है, तो उसने रूल ब्रेक किया और उस प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को वापस से कहां पर लेकर आया, सेम जगह पर। कुछ याद नहीं रखना है, देखो पढ़ो और जाने दो, सुनते जाओ बस, ठीक है। मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स वॉज मोर एलाबोरेट देन दैट ऑफ लोदर मेयर। लोदर मेयर ने एक कर्व बनाया था, मैं आपको बता भी देता हूं वो भी, ऑल्दो दिया हुआ नहीं है, बट लोदर मेयर ने एक कर्व बनाया था। उसने कर्व बनाया था बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम या फिर मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, और इधर उसने लिया था एटॉमिक मास। तो उसको इस तरह का कर्व मिला था, वो तो बहुत स्मूथ बना दिया, बड़ा रफ कर्व था, लेकिन इस रफ कर्व में एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सेम पोजिशन ऑन द कर्व। जैसे मैं आपसे बात करूं, ठीक है, एल्कली मेटल्स यहां कहीं प्रेजेंट थी इस वाले पार्ट पे, इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। कौन सा पोर्शन बोलते हैं, ठीक है, तो जो आपकी एल्कली मेटल्स थी वो कर्व के कौन से पोर्शन पर थी, डिसेंडिंग पोर्शन पर। हैलोजन्स जो थे वो इसके असेंडिंग पोर्शन, इस वाले पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या हुआ था कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम पोजिशंस को ऑक्यूपाई कर रहे थे। ये प्रैक्टिकल भी था, ये लॉजिकल भी था, लेकिन ऐसे कर्व पे सारी पोजिशंस को डिफाइन करना और उन्हें याद करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक अगर कोई था तो वो था मेंडलीव। आइए चलते हैं मेंडलीव पे आगे। He fully recognized the significance of periodicity and used broader range of physical and chemical properties to classify the elements. In particular, Mendeleev relied on the similarities in the empirical formulas and properties of the compounds found by the element. He realized that some of the elements did not fit in with his scheme of classification of the order of atomic weight was strictly followed. उसने कहा कि अगर मैं strictly एटॉमिक मास का ऑर्डर फॉलो करूं तो फिर सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट सेम जगह पर कहीं कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट्स माइट बी इनकरेक्ट एंड प्लेस द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। उसने कहा कि देखो भाई, ऐसा हो सकता है कि अभी इस जमाने में जो एटॉमिक मास है वो सही से मेजर नहीं किया गया है, इसलिए उसने प्रॉपर्टीज के ऑर्डर को फॉलो किया। उसका एग्जाम्पल भी अभी आप देख भी लोगे। For example, iodine with lower atomic weight than that of tellurium was placed in group 7th along with fluorine, chlorine, bromine because of similarities in properties. So, मैं आपको दिखा दूंगा, लिखवा भी दूंगा। At the same time, keeping his primary aim of arranging the elements of similar properties in the same group, he proposed that some of the elements were still undiscovered. तो यहां से उसको बहुत वो मिला appreciation. कि इसने कुछ ऐसे एलिमेंट प्रिडिक्ट कर दिए थे अपने रूल से, प्रॉपर्टीज को मैच करवाकर, कि बोले कुछ सालों के बाद एक एलिमेंट मिलेगा जिसका एटॉमिक मास इतना होगा, जिसकी डेंसिटी इतनी होगी, इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, प्रिडिक्ट कर दिया उसने पहले ही। और वाकई में जब वह एलिमेंट मिला तो जो प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी ऑलमोस्ट वही उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज आ रही थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, ये दो एलिमेंट्स थे, एक था गैलियम और एक था जर्मेनियम। तो आपको हिस्ट्री में जाकर रटने की जरूरत नहीं है,
आप जानते हो, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है, बोरोन, एल्यूमिनियम, उसके नीचे कौन आता है? गैलियम। कार्बन, सिलिकन, उसके नीचे कौन आता है? जर्मेनियम। तो गैलियम इज बिलो एल्यूमिनियम, तो इनकी लैंग्वेज में उसको बोलते थे एका, रशियन में एका मतलब बिलो, दिस इज बिलो एल्यूमिनियम। जगह छोड़ दी कि यहां एक एलिमेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एका एल्यूमिनियम। यहां आएगा उसको क्या बोलेंगे? एका सिलिकन। तो इन दो एलिमेंट्स के बारे में उसने पहले ही बता दिया था। आओ पढ़ते हैं और बात करते हैं। सो कह रहा है क्या, therefore left several gaps in the table. For example, both gallium and germanium were unknown at that time. Mendeleev published his periodic table. He left the gap under aluminium and a gap under silicon and called these elements as eka aluminium and eka silicon. Mendeleev predicted not only the existence of gallium and germanium but also described some of their general physical properties. These elements were discovered later. Some of the properties predicted by Mendeleev for these elements are found experimentally. दोनों लिखी हुई कंपैरिजन देख लेंगे अभी। The boldness of Mendeleev's quantitative predictions and their eventual success made him and his periodic table famous. Mendeleev's periodic table was published in 1905. It's shown in this figure. तो पहले तो देख लो, उसने प्रेडिक्ट कितना किया एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम यानी गैलियम का 68, असली कितना आया 70, डेंसिटी प्रेडिक्ट की 5.94, मेल्टिंग पॉइंट के लिए बोला कम होगा, कम होता है, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड बोला ऐसा होता है, ऐसा ही था, क्लोराइड बोला ऐसा होता है, ऐसा ही था। इसी तरह उसने सिलिकॉन के लिए प्रेडिक्ट किया एटॉमिक मास 72 आएगा, सॉरी एका सिलिकॉन के लिए 72.6 आया, डेंसिटी क्लोज आई, मेल्टिंग पॉइंट बोला हाई आएगा, हाई आया, फॉर्मूला बोला ये आया, फॉर्मूला बोला ये आया। तो इस तरह से उसने अपने हिसाब से पढ़ पढ़ के चीजों को ऑब्जर्व करके उसने प्रेडिक्टिव प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी। आज तो नॉर्मल है पर उस टाइम पर तो चमत्कार था, कैसा एलिमेंट प्रेडिक्ट कर दिया भाई ने तो, और वो मिल भी गया, तो इसलिए बहुत फेमस हुआ ये। ये वो प्रेडिक्ट टेबल है जिसने पहली बार बना के लोगों के सामने, अपन लोगों के सामने नहीं, जो साइंटिस्ट कम्युनिटी उनके सामने रखी गई थी। तो प्रेडिक्ट टेबल अगर आप ध्यान से देखो तो ये था नहीं उसके प्रेडिक्ट टेबल में। मेंडेलीव के टाइम तक नोबल गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती थी। उसने अपने भी टेबल में एक्चुअली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप बनाए थे। पहली बात, हर ग्रुप को उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, ऐसे उसने डिवाइड किया था। ठीक है, तो जनरली आज से, आज के कंटेक्स्ट में अगर मैं कंपेयर करूं तो जो सब ग्रुप ए होता है उसमें एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आते हैं। देखो जैसे यहां ये पूरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में लिथियम है एस ब्लॉक, सोडियम एस ब्लॉक, पोटेशियम एस ब्लॉक, लेकिन कॉपर कौन से ब्लॉक का है? रुबिडियम एस ब्लॉक, लेकिन सिल्वर कौन से ब्लॉक का है? डी। ये एस ब्लॉक, लेकिन कौन से ब्लॉक का है? डी। तो उसने बोला ये तो दर्शन ऐसे लिख दिया है ऐसे, बट इन जनरल जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो सेम लाइन में है, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो सेम लाइन में है। समझ पा रहे आप इस चीज को? तो उसने अपने ग्रुप को भी फर्दर उस ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट ए सेकंड ए, फर्स्ट बी सेकंड बी, थर्ड बी फोर्थ बी, इस तरह से उसने डिवाइड किया। टोटल 8 ग्रुप्स थे। 8वां ग्रुप जो था इसके वेरिएबल का वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसने एक ही ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट्स को रखा हुआ था। देख पा रहे हो, एफ ई कोबाल्ट निकल, RuRHPD, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर थी, इतनी ज्यादा सिमिलर थी कि उनको अलग ही नहीं कर पाया, सबको एक ही जगह लाके बिठा दिया। यही उसकी प्रॉब्लम थी, इसकी प्रेडिक्टिवली समझा नहीं पाई कि भाई साहब अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को फॉलो कर रहे हो तो देखो एटॉमिक मास में डिफरेंस भी अच्छा खासा है, आपने तीनों को एक ही जगह क्यों रख दिया? ये उसके फेलियर का रीजन बना था। खैर, आप देखें इसकी प्रेडिक्टेबल किसके ऊपर बेस्ड थी? एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अगर आप आए यहां, आयोडीन का एटॉमिक मास है 126.9, टेल्यूरियम का एटॉमिक मास कितना है? 127.6। पहले आयोडीन आना चाहिए था, बाद में टेल्यूरियम। तो अभी पिछले पैराग्राफ जो आपने पढ़ा था वो ये कह रहा था कि कई जगह पर उसने अपने ऑर्डर को फॉलो जानबूझ करके नहीं किया, बोला कि नहीं ये यही आएगा,
क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही है। हो सकता है जिस आदमी ने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया उसने गलती करी हो, ठीक है, आयोडीन यही आएगा क्योंकि प्रॉपर्टीज में क्या आ रही है, सिमिलैरिटी आ रही है, ठीक है। तो ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक ऐसे पूरा ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक है, ये आठ ही मतलब सात ही पीरियड थे, पर इसको उसने और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सीरियल वाइज। तो एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह, सात, जो बड़े बड़े ब्लॉक दिख रहे हैं वो पीरियड्स को दिखा रहे हैं, वर्टिकल कॉलम्स है। बाद में जब नोबल गैसेस इंट्रोड्यूस आई तो जगह नहीं थी उधर, तो उसने इसको नाम दे दिया जीरोथ ग्रुप। तो जीरोथ ग्रुप मेंडलीव के ओरिजिनल टेबल में नहीं था, बाद में उसको एक्स्ट्रा ऐड किया गया था, इसलिए नोबल गैसेस को कभी कभी जीरोथ ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। समझ में आता है आप सब लोगों को? तो यह है आपकी मेंडलीव पीरियडिक टेबल और इसके बारे में कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बस ठीक है, इसके बाद तो फिर अपन अपने हिसाब से कर ही लेंगे। कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? हाँ बोलो। उसने कहा कि देखो कॉपर और सोडियम की बॉडी सेम तो है नहीं, सिल्वर जहां पे गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव वहां पर सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, तो दो अलग अलग प्रॉपर्टीज को सेम ग्रुप में रखा। बोला कि सेम ग्रुप नहीं है भाई, इसके भी दो टुकड़े हैं, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, ये भी मेटल्स, ये भी मेटल्स, एक तरफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, एक तरफ लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। हाँ, इस तरह से नाम दिया, ये फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ये सेकंड ए सेकंड बी। तो जितने भी एस ब्लॉक वाले हैं वो सब फर्स्ट ए में काउंट होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक वाले हैं वो सब फर्स्ट बी में जाते हैं। वो डिटेल में चलेंगे अपन, तो बता भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं फेलियर ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पहला तो यही हो गया कि इट डिड नॉट फॉलो स्ट्रिक्टली द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एग्जांपल आयोडीन 126.9 placed after tellurium 127.6, जबकि उसको पहले रखा जाना चाहिए था। फिर कुछ लोग और आए, बोला बे तूने जर्मेनियम गैलियम का तो स्पेस छोड़ दिया, प्रेडिक्ट कर दिया, तेरे को नोबल गैसेस नहीं दिखी कभी? भाई जब तुम इतने विद्वान हो कि तुमने गैलियम जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज वो कर दी, तो भाई वो जो आठ नोबल गैसेज आई उनको क्यों नहीं देख पाए तुम? ठीक है, उन्होंने बोला कि नो स्पेस या नो स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर नोबल गैसेस। फिर तीसरा, जैसा अभी आपने पूछा, उन्होंने पूछा ये क्या मसला है भाई, एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, ऐसा थोड़ी चलेगा। तुमने सोडियम को जहां रखा वहीं गोल्ड को भी रख दिया, दोनों एक ही ग्रुप में आ गए, हो ही नहीं सकता। इसलिए बाद में उनको फर्दर सब डिवाइड किया गया इनटू फर्स्ट एंड फर्स्ट बी। तो ये जो ऑप्शन, ये उठी चीज है, उसके बाद उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। देखो छोटे छोटे पॉइंट थे जिनकी वैसे फेल तो हुई, पर फेल नहीं हुई थी तो लोगों की दिक्कत थी। अब इंसान का तो नेचर ही होता है कमी ढूंढना किसी ना किसी के अंदर, तो कमियां ढूंढ रहे थे इसमें क्या क्या कमियां हैं। स्पेस था नहीं ना, पीरियोडिक टेबल में दिया नहीं उसने, उसको नहीं पता था नोबल गैसेस हैं, इसलिए उसने छोड़ा नहीं और इसी को पॉइंट बना लिया लोगों ने। हाँ भाई चलें, इसके बाद आया द मेन, दैट इज हेनरीज मोजले, ठीक है। उसने आके मेंडलीव का
गेम कर दिया, क्या चल कुछ भी बोल के चला गया तू तो यार, गलत बात है। सो एक साइंटिस्ट आया, हेनरीज मोजले, दिल जले तो आपने सुना होगा, ये मोजले, मोजले हेनरी के मोजले। चलिए तो हेनरी ने, हेनरीज मोजले ने सब कुछ बदल दिया। उसने बोला कि देखो बंधु, तुम ये जो मानकर चल रहे हो कि एक एटम की सारी प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, वो गलत है। एटॉमिक मास इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। क्या है? उससे पूछा क्यों भाई, तेरे को रात को सपना आया ऐसा? बोला नहीं नहीं सपना अपना नहीं आया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसने क्या किया, इसने ली एक मेटल। क्या ली? मेटल। और इस मेटल के ऊपर उसने बारिश की इलेक्ट्रॉन्स की, नहीं न्यूट्रॉन्स की, सॉरी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स उसने इसके ऊपर बॉम्बार्ड किए, ठीक है। और यहां से न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करने पर एक अदृश्य शक्ति निकली, उस अदृश्य शक्ति का नाम था एक्सरेज। क्या नाम था? इसका नाम एक्सरेज ऐसे ही पड़ा है। आपको पता है एक्सरेज को एक्सरेज ही क्यों बोलते हैं? कि किसी साइंटिस्ट को रेज मिली, दिखी तो कुछ नहीं पर रेज मिली, जिससे मतलब फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह अफेक्ट हो रही थी। जैसे मैथ्स में जब कुछ नहीं मिलता उसका नाम क्या रखते हैं? जिसने भी क्या नाम रख दिया, एक्स रेज। किसी को मिल जाए तो बता देना, पर कभी किसी ने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, बिकॉज सबको पता है एक्स तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए इनका नाम हमेशा से एक्स रेज रह गया। तो जो अदृश्य शक्ति बाहर निकली वो एक्स रेज थी। अब इसने क्या किया, इनको देख तो नहीं सकता था, बट मोजले स्टार्टेड मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द एमिटेड एक्सरेस। पहले डरा क्यों रहे हो भाई, इतना कॉन्सेंट्रेट लिख रहा था मैं। बाय चेंजिंग द बेस मेटल। कहने का मतलब यह है कि मोजले ने क्या किया, पहले यहां सोडियम ली, एक्सरे निकली, उसकी फ्रीक्वेंसी नाप ली, फिर कॉपर लिया उसकी नाप ली, फिर एल्यूमिनियम लिया, फिर गोल्ड लिया, फिर सिल्वर लिया, फिर प्लेटिनम लिया। इस तरह से जो जो मेटल्स अवेलेबल थी उन सबके लिए वो ये फ्रीक्वेंसी नापता गया। और उसने फ्रीक्वेंसी नहीं नापी, ही एक्चुअली मेजर्ड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रूट न्यू, ठीक है। और बेस मेटल चेंज कर रहा है मतलब उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली मोजले को एक रिलेशन मिला, गेव अ रिलेशन बिटवीन रूट न्यू एंड जेड, वेयर जेड इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। उसने बोला कि देखो बंधु, तुम दुनिया की कोई भी मेटल उठाओ, उसमें न्यूट्रॉन्स गिराओ और उससे एक्सरे निकालो, उससे जो एक्सरेज निकलेंगी उन निकलने वाली एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी और उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में ये रिलेशन होता है। यहां पर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। अगर आप ब्रैकेट को ओपन कर लो तो फॉर्मूला बनेगा ए इंटू जेड माइनस ए इंटू बी, या फिजिक्स में और पढ़ोगे मोजलेज लॉ, ठीक है। तो अगर हम यहां पर एक ग्राफ बनाए बिटवीन रूट न्यू एंड जेड, सुनना,
कभी कोई ग्राफ बनता है तो वेरिएबल्स पहचानना सीखें। बताओ जब हम मेटल बदल रहे हैं तो क्या बदल रहा है? एटॉमिक नंबर जेड। और मेटल बदलने से जो एक्सरे निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है? मेटल के एटॉमिक नंबर पर। तो जो बदलता है उसे यहां लिखते हैं। बदल कौन रहा है? ये किसकी वजह से बदल रहा है? इसकी वजह से। तो ग्राफ में प्लॉटिंग हमेशा ऐसे ही की जाती है, जो बदल रहा है उसे यहां लिखा जाता है, और इसके बदलने का फर्क किस पे पड़ रहा है उसको यहां लिखा जाता है। तो देखो रूट न्यू बन गया वाई, ये बन गया एम एक्स माइनस सी। तो आपके पास ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव। और उसका इंटरसेप्ट कैसा है? नेगेटिव। इस तरह का एक ग्राफ बना। अगेन अभी इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। मोजले ने बोला देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और फिर उसने बताया कि इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट की एज कंपेयर टू इसका एटॉमिक मास। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो उसके एटॉमिक नंबर पर ज्यादा डिपेंड करती है एज कंपेयर टू उसका एटॉमिक मास। इसलिए मेंडलीव, न्यूलैंड, डुबर्नियर, तुम सब मेरी बात सुनो, तुम सबने एटॉमिक मास को गलत लिया है। एटॉमिक मास बेस नहीं होना चाहिए। आओ देश बदलते हैं, है ना, बेस बदलते हैं। तो हम लोगों ने चेंज किया है, अब उसके हिसाब से एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और उसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेस बनाया जाना चाहिए। तो मोजले ने आके अपना लॉ दिया और उसी से बना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, है ना। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि मोजले ने क्या कहा। सो मोजले सजेस्टेड, दैट एटॉमिक नंबर, ये क्वेश्चंस ना आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम एंड शुड बी टेकन एज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर मोजले ने कहा कि भाई आप लोगों को एटॉमिक नंबर को ज्यादा उससे लेना चाहिए। नहीं ऋतुजा सही है, एनसीईआरटी में दो को ही दिखाया गया, तो अपने को नहीं पे फोकस करना है, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, 2, 3, 5, 2 की पावर -4, 5 की पावर -10, ऐसे कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हैं, सिंपल नंबर्स। आगे चलो, चलिए इसके बाद आया क्या, क्या ये मुझे, हाँ ये फिजिसिस्ट था, फिजिशियन नहीं था, फिजिसिस्ट। जनरल फिजिशियन। चलिए इसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जिसने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर
ऑफ एन एटम और एलिमेंट। तो इस तरह से आपका मॉडर्न पीरियडिक लॉ बना और उसी के हाँ भाई, तो देखें एनसीईआरटी एक बार और देख लेते हैं बस। So the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number. The periodic law revealed important analogies among the 94 naturally occurring elements. Neptunium and plutonium, like actinium and protactinium, are also found in pitch blend and ore of uranium. अभी आप देखो आपके सिलेबस से मेटलर्जी करके एक चैप्टर हट चुका है, उसमें आप ओर्स के बारे में पढ़ते थे, लेकिन एनसीईआरटी में छुपा छुपा के इनके नाम दिए हैं। तो एक काम की चीज ये है, पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड का फॉर्मूला जरूर लिख लें, होता है U3O8, और इसे याद भी जरूर रखें। ठीक है, आगे इट्स सिमुलेटेड रिन्यूड इंटरेस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हैज कैरिड इनटू द प्रेजेंट विद द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट। You may recall that the atomic number is equal to the nuclear charge, that is number of protons, हमको पता है, or the number of electrons in a neutral atom. It is then easy to visualize the significance of quantum numbers and electronic configuration in periodicity of elements. इसीलिए यहां तक पहुंचने से पहले हमने क्या कवर कर लिया था, क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो अब कभी ये कहना चाहता है कि देखो एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है, एक्चुअली एटॉमिक नंबर को क्या पता है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में कैसे अरेंज्ड है ये आपको पता है। तो जिन जिन का आउटर मोस्ट शेल कॉन्फिगरेशन सेम होगा उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी सेम। इसीलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सबकी प्रॉपर्टीज क्या है सेम, क्योंकि सबका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है सेम। सो इट इज एक्चुअली नॉट द एटॉमिक नंबर, इट इज एक्चुअली रीजन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट एनर्जी शेल्स, जिनकी वजह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सेम होती हैं। लेकिन शुरुआत यहीं से हुई, ये कभी कहना चाहता है। इनफैक्ट इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड दैट द पीरियडिक लॉ इज एसेंशियली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीरियडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस व्हिच इंडीड डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। बताओ असली कारण क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को बता सकते हो। आज आप बिंदास बोल देते हो नियॉन किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों? इसलिए थोड़े ना कि उसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसलिए कि उसका क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन है। नियॉन सुखी है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। न्यूमेरस फॉर्म्स ऑफ पीरियडिक टेबल हैव बीन डिवाइस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। Some forms emphasize chemical reactions and valence, whereas other stress the electronic configuration of elements. Modern version, the so-called long form of the periodic table. तो आज जो हम periodic table पढ़ते हैं वो कौन सी periodic table है? Long form. Is the most convenient and widely used. The horizontal rows, which Mendeleev called series, are called periods. तो उसने series बोला, हमने उसको क्या बोला? Periods. And the vertical columns are called groups. Elements having similar outer electronic configurations in their atoms are arranged in vertical columns referred to as groups or families. According to the recommendation of IUPAC, the groups are numbered from 1 to 18, replacing the older notation of 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 7A, 8th, 1B se lekar 7B and 0th group, jo Mendeleev ne kaha tha. ठीक है, अभी बता दूंगा इसका मतलब क्या है। देर आर ऑल टूगेदर 7 पीरियड्स, द पीरियड नंबर कॉरेस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट, इस अपन ने देख लिया है तो इनको देखने जरूरत नहीं है। आपको याद होगा 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32, वो हम सब सीख चुके हैं। तो ये है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। यहां पर एक गलती है जो एनसीईआरटी के अंदर है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये बी सीरीज होती है पूरी, एट्थ है फर्स्ट भी सेकेंड भी, ये सब ए सीरीज है। ठीक है, तो ये आपके काम में आ सकता है इसलिए बता रहा हूं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये दोनों ए सब ग्रुप में जाते हैं। किसमें जाते हैं? तो आप इनका ग्रुप नंबर देखो, ये कौन सा था? फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए। सेकंड ग्रुप,
सेकेंड है, वहां जाओ, कौन सा ग्रुप है, थर्टींथ, लास्ट डिजिट देखो क्या है, थ्री, थर्ड है, फोर्टीन फोर है, फिफ्टीन फिफ्थ है, सिक्सटीन सिक्स है, सेवनटीन सेवेंथ है। नोबल गैसेस को बोलते हैं जीरोथ ग्रुप, क्या बोलते हैं, कभी सुना आपने, फर्स्ट ए मेटल्स, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स को हम फर्स्ट ए ग्रुप मेटल्स भी बोलते हैं, कई बार क्वेश्चंस में मिलेगा आपको लिखा होगा, मेंडलीव, टेबल तो मेंडलीव नहीं देती ना, ठीक है। फिर ये है बी सब ग्रुप, तो मॉडर्न पीरियड टेबल में कंफ्यूजन दूर कर दिया, आप तो एक नंबर से शुरू करो 18 तक जाओ, 18 कॉलम है, लेकिन अगर आप पुराने से कनेक्ट करना है तो थर्ड ग्रुप यानी थर्ड बी, फोर्थ ग्रुप फोर्थ बी, फिफ्थ ग्रुप फिफ्थ बी, सिक्स्थ ग्रुप सिक्स्थ बी, सेवेंथ ग्रुप, लेकिन मेंडलीव की टेबल में एट्थ ए एट्थ भी नहीं था, एक ही एट्थ ग्रुप था, उसमें तीन तीन एलिमेंट थे, इसलिए एफई कोबाल्ट निकल वाले पूरे ग्रुप को एट्थ ग्रुप नाम दे दिया गया। आज तो हम उनको आठ नौ दस बोलते हैं, लेकिन अगर आपको इसी में मेंडलीव की परछाई देखनी है तो इन तीनों को मिलाकर आप कौन सा बोलोगे, एट्थ। फिर यह है फर्स्ट बी और यह है सेकेंड बी। फिर यहां पर दो स्टार लगाए गए जो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को दिखाता है, इनको अलग से जगह यहां दी गई, तो ये लेंथेनॉइड्स हैं, ये एक्टिनॉइड्स हैं, इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, हम जानते हैं ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अगर आप इन तीनों को छोड़ दो, ठीक है, सो मैं लिख भी रहा हूं, एक्सेप्ट जिंक कैडमियम एंड मर्करी, रेस्ट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी एटॉमिक नंबर मैंने आपको निकालना सिखाई दिया है, किसी का भी निकाल सकते हो, है ना, यहां निकालना है टेलीरियम का, तो दिख रहा है आठ, आठ प्लस आठ सोलह, सोलह प्लस अठारह चौंतीस, चौंतीस प्लस अठारह फिफ्टी टू, अपने आप पहुंच जाओ, टू एट एट एटीन, एटीन थर्टी टू। अब देखो टू यहां खत्म हो चुके, तो टू प्लस एट, तो है ना, इस वाले में आप क्या करो, छोटी सी ट्रिक ऐसे यूज कर लो, इधर वाले में आप एट से ही शुरू किया करो, एट एट एटीन, एटीन थर्टी टू, तो 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 18 54, 54 प्लस 32 86। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस चीज का आप ध्यान रखें, सही है। एक और चीज ये भी ध्यान रखना, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स और ये सब, मतलब ये दोनों और ये आर इन ग्रुप 3, एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 और एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 सबके सब पीरियड टेबल के थर्ड ग्रुप में लाई करते हैं। ग्रुप नंबर पीरियड नंबर निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, लास्ट लेक्चर में सिखाया, ठीक है। तो ये आपका इस पीरियड टेबल का इंट्रोडक्शन है, ये यहां खत्म होता है, और अब हम एक और छोटी सी चीज करते हैं, दैट इज नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। With atomic number greater than 100, IUPAC ने 100 के ऊपर वाले एलिमेंट्स का नाम लिखने का एक अलग तरीका सिखाया, क्योंकि उनके भी होता क्या है, मैं पढ़ा भी दूंगा एनसीईआरटी में आपको, कि जो भी कोई एलिमेंट बना रहा था साइंटिस्ट, वो अपने नाम से उसका नाम देना चाहता था, रदरफोर्ड, अब तो कह रहे अलग अलग कर दिया गया है, बट इन जनरल देखो, आओ सीखते हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं कुछ, उनसे कनेक्टिविटी आती है और कुछ नहीं है। क्या बोल लो, अभिषेकी नियम है ना, अभिषेक सर किसी को डिस्कवर करेगा एलिमेंट को,
त्रिपाठी नियम। बस बस रहने दो अब। हाँ, वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। क्या नहीं है मेरे नाम, चाहिए भी नहीं। लो भाई कहानी सुनो। नेमिंग ऑफ द न्यू एलिमेंट्स हैड बीन ट्रेडिशनली द प्रिविलेज ऑफ द डिस्कवरर और डिस्कवरर्स, जो ढूंढ रहा है उसी के नाम पे रख दिया जाए। एंड द सजेस्टेड नेम वॉज रेक्टिफाइड बाय द IUPAC, रेटिफाइड नॉट रेक्टिफाइड सॉरी। इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज लेड टू सम कॉन्ट्रोवर्सी। द न्यू एलिमेंट्स विद वेरी हाई एटॉमिक नंबर्स आर सो अनस्टेबल दैट ओनली माइन्यूट क्वांटिटीज और समटाइम्स ओनली अ फ्यू एटम्स ऑफ देम आर ऑब्टेंड। देयर सिंथेसिस कैरेक्टराइजेशन देयरफॉर रिक्वायर हाईली सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी। Such work is carried out with competitive spirit only in some laboratories in the world. Scientists, before collecting the reliable data on the new element, at times get tempted to claim for its discovery. For example, both American and Soviet scientists claim credit for discovering element 104, and the Americans named it Rutherfordium, whereas Soviets named it. खर्चातोवियम छोला कुलचावियम। टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, आप सोचो ना, अमेरिका रशिया में लड़ाई तो वैसे चलती है, अब केमिक एलिमेंट में लड़ाई कर रहे हैं दोनों के दोनों, है ना। एक दो बार क्या है, लेबोरेटरी मार काट भी, नहीं नहीं मेरे नाम से रखूंगा, मेरे नाम से रखूंगा। तो IUPAC ने बोला रुको जरा, सबर करो। IUPAC ने बोला तुम सब भाड़ में जाओ, अब हम बोलेंगे जो करना पड़ेगा। सो टू अवॉइड सच प्रॉब्लम द IUPAC हैज मेड रिकमेंडेशन दैट अंटिल अ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवरी इज प्रूव्ड इट्स नेम इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, अ सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर बी डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक नंबर। मैंने कहा देखो हम नया सिस्टम बना रहे हैं, जब तक ये, उन्होंने बोला ऐसा नहीं कि हमारे सिस्टम चलेगा, अगर रशियंस बोलेंगे क्या है खर्चा तो भी हम रखो तो हम वो रखेंगे, अमेरिकन बोलेंगे रदरफोर्डियम रखो तो हम वो रखेंगे, लेकिन हमें देखना चाहते हैं कि इसमें एक्चुअल जो रोल है वो किसका है। तब तक के लिए 104 वाले का नाम हमारे हिसाब से रखा जाएगा। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसने उन्होंने क्या किया, हर डिजिट को एक यूनिक इनिशियल दिया। जैसे जीरो को क्या बोला गया, निल, उससे उठाएंगे एन। वन को क्या बोला गया, अन, तो उससे क्या उठाएंगे, यू। टू को क्या बोला गया, बाई, डी। तीन को क्या बोला गया, ट्राई। चार को बोला गया, कॉड, पेंट, एग्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। तो हर एक नंबर को एक नया इनिशियल मिल गया, बस हो गया काम। अब तुम चाहे रदरफोर्डियम बोलो, तुम चाहे खर्चातोवियम बोलो, 104 को हम तो क्या बोलेंगे, अन, निल, क्वाड। और फिर उन्होंने बोला कि लास्ट में सफिक्स लगा दो ईएम, क्योंकि तुम भी तो ईएम ईएम कर रहे हो, हम भी ईएम ईएम कर लेते हैं, है ना। इसलिए इसका नाम क्या बन गया, अननिल कॉडियम, और इसका सिंबल क्या बन गया, UNQ। खत्म। तुमने बोला हमारे पास एलिमेंट है 143, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अन क्वाड्रियम, अन क्वाड्रियम, UQT। अब देखो लोग दिमाग लगाएंगे। अब अन बाय बीएम, वल्लाह हबीबी, ठीक है। चलिए तो इस तरह से इनके नाम दिए गए। अब देखो भाई क्वेश्चन ये बनता है कि आपके पास एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है और उसका सिंबल है UUS,
बताओ इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। तो क्या बन गया, U फॉर अन, U फॉर एन, S फॉर सेप्टियम, तो 117 मतलब 117, तो ग्रुप नंबर 17 और पीरियड नंबर 7। मैंने आपको सिखाया था 103 के बाद जो लास्ट के दो डिजिट हैं ऑब्वियसली 118 तक वही ग्रुप नंबर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं UNO, UNO, UNO तो बहुत खेला होगा तुमने, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। U फॉर वन, N फॉर निल, O फॉर ऑक्ट, 8, 108 यानी ग्रुप नंबर तो कितना हो गया 8 और पीरियड नंबर कितना हो गया 7। ये रहा 108, पीरियड नंबर 7, ग्रुप नंबर 8। कर सकते हैं, चलिए तो फिर आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया है पीरियोडिक टेबल का, आई थिंक इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है, कंफ्यूजन लेना सिखाई दिया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर्टीज पे मूव कर जाएंगे, एटॉमिक रेडियस के साथ शुरू करेंगे। नहीं, अभी तो भाई बाकी है। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट, क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम लोग सीखें, ठीक है। कोई डाउट किसी को? हाँ, पीरियडिक आएगा यहां तक, आज तो कुछ पढ़ाया नहीं ना, इससे पहले वाला आएगा, जो क्वांटम नंबर सिखाया, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर निकालना सिखाया, ठीक है। तो सभी लोग इनको रिवाइज कर लें, किसी को डाउट हो तो पूछ लें, ठीक है ना। वैसे चीजें आती रहेंगी, इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग करते रहेंगे, बहुत बड़ी बात भी नहीं है, चिंता ना करें, वो तो अपन प्रैक्टिस करेंगे। बट भाई सभी लोग जीएमपी में आए, आज बहुत सारे लोग नहीं थे, भैर भर यू क्यों नहीं थे, तो वही तो पूछ रहा हूँ, ये तो मुझे पता है आप नहीं थे, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, एंड भैर भर यू एंड यू सो गए थे, भैर भर यू आप थे, यू आर नॉट हियर, नहीं ये नहीं थे, और कौन, आप पढ़ रहे थे, हम यहाँ पे भांगड़ा थोड़ी कर रहे थे, है थोड़ा मैं इनको स्टेप सिखा रहा हूं, हाँ भाई गरबा आने वाला है चलो, ये गलत बात है, आप पढ़ो, मेरे को आपके पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आप जब जीएमपी चल रहा है तब जरूर आए, ठीक है, वो आप ही के लिए है। पांच दिन से फीवर है तो आज क्यों नहीं है, पांच दिन तक मत आते, तबीयत का ध्यान रखो, आप सभी लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है, एक दिन बीमार होते हो ना तो प्रॉब्लम होता है। हाँ रे, तुझे आपका ऑनलाइन वालों का संडे को है, यहाँ तो ऑफलाइन में जो टेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं, आप लोगों का टेस्ट अभी थोड़ी होगा, क्या देना जो चाहे वो काइनेटिक्स आएगा ना, एक सेकेंड सब उधर, ठीक है भाई, मिलते हैं, टाटा बाय बाय ऑनलाइन वाले छात्रों।